डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस चैनल की शुरुआत एक्चुअल में केमिस्ट्री डाउट सॉल्विंग से शुरू हुई थी। स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट आ रहे थे और बुक्स में उनको ऑथेंटिक डाउट करेक्शन नहीं मिल पा रहा था, ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल पा रहा था, और साथ ही साथ मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करनी थी। तो एक एक कॉन्सेप्ट लेके कि ऑथेंटिक नॉलेज देनी है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करानी है, इस कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल की शुरुआत हुई थी। बाद में स्टूडेंट की डिमांड आने लगी कि सर ये वीडियो वो वीडियो, तो फिर डिफरेंट डोमेन के और डिफरेंट सब्जेक्ट के कई सारे वीडियो को इसमें अपलोड किया गया, जो कि क्लास 5th से स्टार्ट हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तमाम वीडियो हिंदी मीडियम के हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, और किसी भी लेवल के हों, लगभग सारे लेवल के वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अभी तक लगभग 1800 प्लस यानी 1800 प्लस वीडियो जो है वो इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हुए हैं, जो कि डिफरेंट डोमेन के हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, आई होप कि आपके काम के वीडियो यहां पर मिल जाएंगे। आपका प्यार लगातार मुझे मिल रहा है और ये आगे भी मिलते रहना चाहिए, क्योंकि ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अभी के डेटा के हिसाब से, आज के डेटा के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो लगभग 75% व्यूअर्स जो हैं वो इस चैनल के नॉन सब्सक्राइबर हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल 25% व्यूअर्स ने ही सब्सक्राइब किया हुआ इस चैनल को। तो भाई, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका कोई भी कमेंट्स है, कोई सजेशन है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। आप भी मोटिवेटेड रहिए और मुझे भी मोटिवेटेड करते रहिए। बस यही आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कंपाउंड हैव ऑफ जनरल फार्मूला C2H4Cl2 शोज पोजीशन आइसोमेरिक में इट्स टू आइसोमर ए एंड बी गिव्स द फॉलोइंग रिएक्शन। ए KCN के साथ रिएक्शन करके डी बना रहा है, और उसके बाद उसके एसिडिक हाइड्रोलिसिस हुई और फिर हीट किया तो सी बना रहा है। बी जो होगा वो KCN के साथ रिएक्शन करके डी बना रहा है और फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया और हीट किया तो सी बना रहा है। कह रहा है द फाइनल प्रोडक्ट सी हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी दोनों में कार्बन एटम सेम होंगे। डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी दोनों में कार्बन एटम डिफरेंट है। तीसरा करेंगे वन कार्बन एटम इज लेस देन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से एक कार्बन जो है दोनों में कम है, और टू कार्बन एटम लेस देन द रिएक्टेंट, दोनों में दो कार्बन जो होंगे वो रिएक्टेंट से कम है। तो चलिए पहले इसकी केमिकल रिएक्शन देख लेते हो, फिर देखते हैं कि क्या है। तो देखिए C2H4Cl2 है और इसके दो पोजीशन आइसोमर बन गए। तो मेरे पास C2H4Cl2 है और इसके दो पोजीशन आइसोमर हमको बनानी है। तो देखिए एक दो क्लोरीन है, तो एक काम करते हैं कि मेरे पास दो कार्बन है, तो एक बार एक काम करते हैं कि दोनों क्लोरीन को एक ही कार्बन पर लगा देते हैं, और फिर एक काम ये करते हैं कि दोनों क्लोरीन को अलग अलग कार्बन पर लगा देते हैं, ठीक है ना। तो जब हमने दोनों क्लोरीन को सिंगल कार्बन पर लगा दिया तो ये मेरे पास बन गया इस तरह का कुछ कंपाउंड, और इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा जाके 1,1-dichloroethane, और इसका हो जाएगा 1,2-dichloroethane। अब हमको समझ में आ रहा है कि भाई ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो जो है पोजीशन आइसोमर दोनों बन गए। मान लो तो इसको मैंने मान लिया ए है और ये जो है वो मेरे पास बी है, ठीक है। अब ए और बी सेम रिएक्शन कर रहे हैं, तो चलिए ए और बी की सेम रिएक्शन कर लेते हैं। तो ये मेरे पास CH3C और ये Cl हो गया, ये Cl यहाँ पर H हो गया, और आपने इसकी रिएक्शन करी KCN के साथ। तो देखिए KCN के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन होगा, रिप्लेस होगा, साइनाइड आयन आता है और KCl यहाँ से निकल जाएगा, तो 2KCl निकल गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि CH3 और ये हो जाएगा CH और यहाँ पर साइनाइड आएगा, ये साइनाइड डाई साइनो कंपाउंड बन गया, ठीक है ना। सेम कार्बन पे दो साइनाइड लगे। अब आपने एसिडिक मीडियम पे हाइड्रोलिसिस किया, जब आप एसिडिक मीडियम पे हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर हम यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ही कंसीडर करेंगे, तो ये C2H में बदल जाता है। आपको पता है कि साइनाइड ये होगा वो हाइड्रोलाइज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करता है, तो C2H रूप में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर सेम कार्बन पे दो C2H लग गए। अब आपको समझ में आता है कि सेम कार्बन पे दो C2H जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी केस लगता है इसकी वजह से। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ CO2 जो होगी वो रिप्लेस हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाएगा, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी, तो यहाँ से CO2 इलिमिनेट होगी। अब इलिमिनेट होगी तो बचा क्या, बचा ये CH3 और ये हो जाएगा CH2 और ये COOH बन जाएगा।
तो देखिए आपने किया क्या कि ए के साथ रिएक्शन करी किसकी, केसीएन की, और केसीएन के साथ रिएक्शन करके डी कंपाउंड बना, तो डी आपका ये बन गया, और डी की आपने हाइड्रोलिसिस की हीट किया, उसके बाद ये जो होगा मतलब यहाँ पर आपने हीट किया और हीट करने के बाद जो है वो कंपाउंड ये बना, ये सी कंपाउंड आपका बन गया, सही है, इसको कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं बी पे, बी की बात करते हैं तो बी हमारे पास ये कंपाउंड है, तो ये हो जाएगा सी एस टू ये सी एल, और यहाँ पर सी एस टू ये सी एल हो गया, ये कंपाउंड मेरे पास बी हो गया। इसकी रिएक्शन भी हमने केसीएन के साथ की, तो केसीएन ने क्लोरीन को हटाया और साइनाइड आया, तो ये सी एस टू सी एन हो जाएगा। उसके बाद आपने इसकी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस की, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सी ओ एच लग जाएगा। अब देखिए अगर एडजेसेंट कार्बन पे सी ओ एच लगता है और यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 और 6 मेंबर रिंग बन सकती है, तो यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो जैसे आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो अब यहाँ पर देखिए वाटर मॉलिक्यूल ये निकल गया, ठीक है ना, H2O निकल गया, तो बचा क्या, उधर हम रिंग के फॉर्म में देखते हैं तो देखिए CH2 और ये हो जाएगा CH2, ठीक है। उसके बाद ये आपका सी डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सी डबल बॉन्ड O किससे लगा है, यहाँ पर आप देखेंगे OH है और ये वो ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद ये सी डबल बॉन्ड O और ये लग गया, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 5 मेंबर रिंग बन चुकी है और 5 मेंबर रिंग स्टेबल होती है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एनहाइड्राइड बन गया, तो यहाँ पर क्या बन गया एनहाइड्राइड। अच्छा हमसे क्वेश्चन ये एनहाइड्राइड या प्रोडक्ट क्यों नहीं कह रहा, हमसे क्या कह रहा है कि कार्बन सेम होंगे कार्बन डिफरेंट होंगे, तो देख लेते हैं। तो भाई इसमें देखो तो 1 2 3 कार्बन है, ठीक है ना, और इस वाले में अगर देखो तो 1 2 3 4 कार्बन है, इसका मतलब है कि डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन होंगे, तो उस हिसाब से हमारे पास आंसर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।